सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि सभी को वॉल्यूम आ रही होगी अब। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं डी क्वेश्चन के यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा था, वीडी सावरकर। और उम्मीद है फ्रेंड्स सभी को इसके आंसर आ रहा होगा, इसका आंसर डी है। और यहाँ पे जो सेकंड का जो दूसरा नाम आपको ध्यान रखना है, अभिनव भारत का, वो है यंग इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये भी सेकंड नाम है जो कि आपको ध्यान रखना है, कई बार पेपर में ये भी पूछ लेते हैं, यंग इंडिया सोसाइटी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, और इसको किसने, वी डी सावरकर ने स्टार्ट करी थी, उनका जो ब्रदर है गणेश दामोदर सावरकर, उन्होंने स्टार्ट करी थी 1903 के अंदर। ठीक है, 1903 के अंदर इसको स्टार्ट करी गई थी। और इनिशियली इसको एक मित्र मेला है वहां पे इसको स्टार्ट करी गई थी। और उस टाइम पे जो वी डी सावरकर है, ये फर्ग्यूसन कॉलेज जो है पुणे में, वहां पे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो कई सारे ऐसे रिवोल्यूशनरीज मूवमेंट है जो कि इस सोसाइटी ने वहां पे किए थे, और कुछ एक मर्डर केसेस है जो कि ब्रिटिशर्स ने इनके रिवोल्यूशनरीज के ऊपर लगाए थे। उसके बाद में इनको कन्विक्ट भी किया गया, और इनके बाद में इन्हें जेल भी हुई। और ये जो सोसाइटी है, ये आखिरी में 1952 के अंदर इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और शर्बन जी बोल रहे हैं कि वापस रिपीट करने के, तो इम्पॉर्टेंट चीजें मैं आपसे वापस रिपीट कर रहा हूँ कि अभिनव भारत सोसाइटी है ये, सीक्रेट सोसाइटी है ये, वी डी सावरकर जी ने इसको स्टार्ट किया था, यंग इंडिया सोसाइटी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, और 1903 के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था। जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, तो कई सारे लोगों को जो आवाज नहीं आई है, तो मैं पहला क्वेश्चन वापस से आप सभी के लिए डिस्कस कर रहा हूं कि जो श्याम जी कृष्णा वर्मा है, उन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टैब्लिश करी थी लंदन के अंदर। ठीक है, पेरिस, बर्लिन, सैन फ्रांसिस्को इसका आंसर नहीं है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऐसा होम रूल सोसाइटी और होम रूल मूवमेंट के अंदर अंतर है। होम रूल मूवमेंट जो है वो आयरिश मूवमेंट को देखते हुए चलाया गया था, जिसको लीड किया था गांधी जी ने 1600 से 1800 के बीच में। और इंडियन होम रूल सोसाइटी जो है ये लंदन के अंदर बनाई गई थी, और ताकि इंडिया का जो प्रोस्पेक्टिव है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आज़ादी को लेके, वो दुनिया को बताया जा सके। इसीलिए एक इंडिया के आउटसाइड इसको चालू किया गया था। ये आपका पहला सवाल था। दूसरा सवाल मैंने आपसे अभिनव भारत के बारे में पूछा था, जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है रिवोल्यूशनरीज की। 1904 के अंदर इसको बनाया गया था, 1903 चार के अंदर। ठीक है, 1903 और चार के अंदर। और ये किसने बनाई थी, वी डी सावरकर और उनके जो भाई है उन्होंने इसको बनाई थी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी, गणेश दामोदर सावरकर है। और ये जो वी डी सावरकर है, ये फर्ग्यूसन कॉलेज जो है पुणे के अंदर उसके स्टूडेंट थे। कई सारे लोगों को इन्होंने जोड़ा, उसके बाद में कई सारे इनके ऊपर केस लग गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इनको बाद में कन्विक्ट भी किया गया, जेल भी डाला गया, और उसके बाद में इसको डिसबैंडेड कर दिया 1952 के अंदर सोसाइटी को। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखनी है और काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देर आर नो पॉलिटिक्स डिवाइड ऑफ रिलीजन इज स्टेटेड बाय, यानी कि ऐसी कोई राजनीति नहीं है जिसमें धर्म ना हो, ये कथन किसने कहा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो कि आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है, जो कि एक फेमस पर्सन के द्वारा कहा गया था कि ऐसी कोई राजनीति नहीं है जिसमें धर्म ना हो, कोई भी रिलीजन ना हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका आंसर काफी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि नेहरू जी, गांधी जी, विनोबा भावे जी या फिर जयप्रकाश जी। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। उम्मीद है कि इसको सभी को ओके। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आंसर्स हैं वो मेरे ख्याल से बी और सी के अंदर काफी लोगों के आएंगे, और यहाँ पे बी आंसर आ रहे हैं ज्यादातर लोगों के ये। और यहाँ पे कान्हा दीक्षित जी का सी आंसर आया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का यहाँ पे बी आंसर है उन सभी का सही है, क्योंकि ये स्टेटमेंट गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि ऐसी कोई राजनीति नहीं है जिसमें धर्म ना हो। ओके, तो ये स्टेटमेंट था जो कि गांधी जी ने कहा था, और आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा है सौरभ जी ने, ओके, काफी लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी वॉज, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, आने वाले पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा एसएससी के अंदर, और जो आपके एफकैट है उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गांधी जी है उनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे। दादा भाई नेहरू जी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे और बाल गंगाधर तिलक, ये चार ऑप्शन आपके पास में। और फ्रेंड्स उम्मीद है यहाँ पे देखिए काफी सारे लोगों ने बी आंसर किया है इसका, और बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बी किया है उन सभी का सही है। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे, उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक सीनियर लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के,
और फाउंडर थे किसके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के। दोनों ही चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। पॉलिटिकल गुरु महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से जब इंडिया आए थे तब वो सीधे ही रिवोल्यूशनरी जो अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे, लेकिन उस टाइम पे गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें राय दी कि आप पहले इंडिया के बारे में जानिए, उसके बाद में रिवोल्यूशनरी जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है इसमें हिस्सा लीजिए। तो उसी को लेकर उन्होंने चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ये जो लोकल मूवमेंट्स है इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, लोगों की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो जाना, उसके बाद वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी, यानी कि जो स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी किन्होंने बनाई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे उम्मीद है कि काफी लोगों को इसका आंसर आता होगा और बी यहाँ पे आंसर आ रहा है दादा भाई नेहरू जी, काफी लोगों ने इसका आंसर किया है। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा बनाई गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे यहाँ पे अगर बात की जाए कि सही आंसर क्या होगा, तो जिन लोगों को इसका आंसर डी लगता है उन सभी का सही होगा। ठीक है, राजगोपालाचारी जी ने बनाई थी स्वतंत्र पार्टी। देखिए स्वतंत्र पार्टी क्या थी, एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि 1959 के अंदर, ठीक है, 1959 से 1974 के बीच में बनाई गई थी। ठीक है, क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जो राजगोपालाचारी जी थे इनको ऐसा लगता था कि जो नेहरू जी ने टोटली डोमिनेट कर लिया है INC को, और उनके आइडियाज है वो उनसे नहीं मिल रहे हैं, तो उस चीज को लेकर उन्होंने इसको बनाई थी। ठीक है, और स्वतंत्रता का मतलब उनसे क्या था, स्वतंत्रता का मतलब था मिक्स्ड इकोनॉमी, कि देश को मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थी, और कई सारे ऐसे ट्रेडर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया था इनफैक्ट। और ये पार्टी फाइनली ज्यादा टाइम तक नहीं चली और 74 में बंद हो गई, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गुंजा जी पूछ रही कंफ्यूज्ड है, तो मुझे एक बार वो बता सकती है किस चीज को लेके कंफ्यूज्ड है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स काफी समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ कंसेप्ट सर्वोदया। सर्वोदया परिकल्पना के जन्मदाता कौन थे। तो सर्वोदया आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए मनीष शर्मा जी ABCD चारों ऑप्शन दे रहे हैं, तो उम्मीद है कि वो चारों के बजाय एक अगर आंसर करेंगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होगा और आपको काफी टाइम तक इससे याद भी रहेगा जो क्वेश्चन आपने आंसर किया है। ठीक है, बिल्कुल सही है, प्रसाद जी ने कहा कि फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, राजगोपालाचारी जी को लेके फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछा जाए तो राजगोपालाचारी जी, और फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए तो माउंटबेटन है। ठीक है, इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है कभी, कई बार ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो कई सारे सर्वोदया के जो आंसर आए हैं वो सी काफी लोगों ने आंसर किया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर जिन लोगों ने बी किया है उनका सही होगा। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो सर्वोदया एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट। ठीक है, यूनिवर्सल अपलिफ्ट और प्रोग्रेस ऑफ ऑल, सभी का प्रोग्रेस हो, ये इसका मतलब होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो टर्म है ये महात्मा गांधी ने इसको यूज किया था 1908 के अंदर, जब इन्होंने ट्रांसलेशन किया था किसका, जॉन रस्किन की जो एक किताब थी अनटू इस लास्ट, इस किताब से काफी इंस्पायर्ड थे महात्मा गांधी। ठीक है, अनटू दिस लास्ट, इस किताब से, ये किताब किसकी थी, जॉन रस्किन की किताब थी। ठीक है, तो उस किताब से इन्होंने ट्रांसलेशन किया था इस वर्ड का, वहां से इन्होंने ये वर्ड लिया था और उसके बाद में इस वर्ड को उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में काफी यूज किया। उसके बाद में इसी को लेके सर्वोदया मूवमेंट भी चलाया गया जिसमें विनोबा भावे जी का बहुत ही बड़ा रोल था। ठीक है, तो मूवमेंट का और सर्वोदया वर्ड में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो बी होगा। और सर्वोदया मूवमेंट की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये गांधी जी और विनोबा भावे जी ने दोनों ने इसको चलाया था। इनका मानना था कि स्वराज तो मिल गया है, अब सर्वोदय की जरूरत है, यानी कि आपको इंडिपेंडेंस तो मिल गई, अब आपको अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, इस चीज को लेकर वो मूवमेंट चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगापट्टनम, यानी कि श्रीरंगापट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष, यानी कि जो ट्री ऑफ लिबर्टी है वो किसने लगाया था, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर देखिए चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है,
आशीष जी बोल रहे हैं कि वो गवर्नर जनरल को लेकर कंफ्यूज हो गए, तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपसे फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल पूछा जाए तो आपको राजगोपालाचारी जी आपको आंसर करना है, और अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल पूछा जाए इंडिया के तो वो लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है? तो लॉर्ड माउंटबेटन तो पहले गवर्नर जनरल, और अगर इंडियन पूछा जाए तो राजगोपालाचारी, इतना सा कंसेप्ट है जो कि आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ पर काफी लोगों ने इसका आंसर डी किया है, बी किया है। तो देखिए फ्रेंड, जिन लोगों ने इसका आंसर डी किया है उन सभी का सही है। टीपू सुल्तान ने प्लान किया था ट्री ऑफ लिबर्टी है श्री रंगापट्टनम, फ्रेंच रिवोल्यूशन से काफी इंस्पायर्ड थे ये, आपको पता होगा, पहले तो ये चीज है और उसके बाद में ट्री ऑफ लिबर्टी कहाँ पे, श्री रंगापट्टनम में इन्होंने लगाया था। ठीक है, बिल्कुल सही है, यहाँ पे काफी लोगों ने इसका आंसर सही किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द आर्य महिला सभा वॉज फाउंडेड बाय, यानी जो आर्य महिला सभा है वो किन्होंने, किसके द्वारा स्थापना की गई थी। ठीक है, तो घनश्याम जी ने बिल्कुल सही कहा कि टीपू सुल्तान ऑल्सो हेल्प बाय फ्रेंच अगेंस्ट ब्रिटिश। ओके, तो यहां पे देखिए चार ऑप्शन है, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, नेहली सेनगुप्ता और साथ में पंडित रमाबाई। तो ये चार ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है, उम्मीद है कि इन सभी में से आपको कई सारे बिल्कुल सही कहा है। यहाँ पे जो जैकबियन क्लब था, ओके, वो फ्रेंच, उसके वहां पर हुआ था। तो देखिए फ्रेंड, जिन लोगों को इसका आंसर डी लगता है उन सभी का सही है, काफी लोगों ने इसका आंसर डी कर रहे हैं। अक्षय जैन जी ने इसका आंसर डी किया है, पंडित रमाबाई जी का। तो देखिए पंडित रमाबाई कौन थी, सोशल वर्कर थी, स्कॉलर थी और वुमेन राइट्स को लेकर उन्होंने बहुत काम किया है, फ्रीडम में, एजुकेशन में लेके पार्टिसिपेट भी किया था उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट के अंदर, और 10 वुमेन डेलीगेट थी जो कि कांग्रेस सेशन जिन्होंने अटेंड किया था 1889 के अंदर। ठीक है, और इनको पंडित और सरस्वती की भी उपाधि से उपाधि दी गई थी क्योंकि इनकी संस्कृत की नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो इसी चीज को लेके इन्होंने आर्य महिला सभा बनाया जहां पे वुमेन को अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ जनरल ब्रॉट आउट बाय अबुल कलाम आजाद, यानी निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका अबुल कलाम आजाद द्वारा निकाली गई थी। ओके, ये आपको बताना है। अबुल कलाम आजाद आपको पता ही है, बहुत फेमस है, अपने एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, और चार यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास में है, जमींदार, कॉमरेड, अल हिलाल और साथ में द इंडियन सोशलिस्ट। तो ये चार ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई लोगों ने इसका आंसर डी करना चालू किया, द इंडियन सोशलिस्ट ये आंसर आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड, जिन लोगों को कॉमरेड अभी आंसर आया है, कॉमरेड घनश्याम जी का, और अभी सोनो त्यागी जी का सी आया है, तो देखिए फ्रेंड, जिन लोगों को इसका आंसर सी लगता है उन सभी का सही है, क्योंकि अल हिलाल वो न्यूज़पेपर, वो एक जर्नल है, इसके जर्नल है जो कि स्टार्ट किया गया था, ये एक वीकली यानी कि 7 डे में उर्दू लैंग्वेज के अंदर स्टार्ट किया गया एक न्यूज़पेपर था। ठीक है, जो कि पब्लिश किया गया किसके द्वारा, इंडियन लीडर मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ठीक है, जो कि आमिर खान भी इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये एक इसलिए था, एक क्रिटिक एक के तौर पे देखा जा गया था ये न्यूज़पेपर, जो कि ब्रिटिश राज के अंदर चलाया गया था। इसका जो पहला इशू आया था वो आई गेस 13 जुलाई समवेयर 1912 के अंदर इसको लाया गया था। ठीक है, और इसके बाद में इस मूवमेंट को, इस न्यूज़पेपर को बैन भी कर दिया अंडर द प्रेस एक्ट, जो प्रेस एक्ट आया था 1914 के अंदर, उसके अंदर इसको बैन कर दिया गया था। इस न्यूज़पेपर का दूसरा नाम क्या था, क्रिसेंट, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्रिसेंट ये नाम भी इसका दूसरा है अल हिलाल का। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये तीन ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं, तीन चीजें, 1, 2 और 3। ओके, ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग डाइड व्हाइल प्लेइंग चौगान, तो निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई। आपके सामने चार ऑप्शन है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। ओके, बिल्कुल सही है, यहाँ पे इंडिया विन फ्रीडम किताब अबुल कलाम जी के द्वारा लिखी गई। ठीक है, बिल्कुल सही है, और यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में लोग बता रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत आएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक बिल्कुल सही किया है लोगों ने आंसर, और इम्पॉर्टेंट है इसीलिए मैंने आज के सेशन में इसको डाला है। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, ये तुर्की में पैदा हुए थे, टर्किश पर्सन थे, चाइल्डहुड के अंदर इनको सोल्ड कर दिया गया स्लेव बना के, उसके बाद में जो इनके जिन्होंने इनको खरीदा था लोकल काजी ने, उनकी डेथ हो गई, वापस से इन्हें सोल्ड कर दिया गया मोहम्मद ऑफ गौर, यानी कि जो मोहम्मद गौरी है उनके वहाँ पे इनको स्लेव बना दिया गया।
ठीक है, उसके बाद में इनको वहाँ पे बाद में बड़े होते मिलिट्री कमांडर बना दिया गया और इंडिया के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल था मोहम्मद गौरी का, जो उन्होंने अपने एम्पायर को फैलाया उस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इन्हीं के बाद में स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट हो गई क्योंकि ये खुद स्लेव थे मोहम्मद गौरी के। ओके, तो यहाँ पे जो आपका आंसर है ये आपको ध्यान रखना है। तो और ये जो चौगान है वो एक गेम है फ्रेंड, ठीक है, जैसे बुशकाशी एक अफगानिस्तान में खेलने वाला गेम है वैसे ही एक गेम है जो कि वहाँ पे खेला जाता है, ठीक है। तो वो खेलते हुए उनकी डेथ हो गई। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, काफ़ी ऐसे, ठीक है, काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे कल, और कल तो नहीं लेकिन परसों के दिन मैं आपसे इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी या पॉलिटी के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सो फ्रेंड्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।